वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लगभग बहुत ज़्यादा यूज होता है, सभी ने यूज किया होगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज किस प्रकार यूज करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्सेल में हम मेल मर्ज किस प्रकार यूज करेंगे और एक्सेल टू वर्ड हम फाइल कैसे ट्रांसफर करेंगे, और इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज किस प्रकार तैयार करें, न्यू फाइल किस प्रकार क्रिएट करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज किस प्रकार करें। आप जैसे यहाँ पे देखोगे मेनू बार के अंदर एक मेनू होता है मेलिंग का, होता है ना, तो मेलिंग्स में जाएंगे तो हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज का जो हमारे पास ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हमारे पास शुरू में मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिलेक्ट रिसिपेंट नहीं करेंगे। सिलेक्ट रिसिपेंट क्यों करेंगे, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, जब हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और एक्सेल की फाइल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके आके मेल मर्ज कराना है तब कर लेंगे। फिलहाल हम न्यू कर रहे हैं, कंप्लीटली काम वर्ड में करेंगे, हम एक्सेल का यूज नहीं लेंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट मेल मर्ज पे हम क्लिक करते हैं। आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास है लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवलॉप, लेबल्स या डायरेक्टरी, जो भी हमने यहाँ पे बनाने जो प्रिंट करने ऑप्शन हम डायरेक्टली भी यहाँ से ले सकते हैं ना। हमने लेटर प्रिंट करने, हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, हमने सभी एम्प्लॉय को लेटर भेजना है, या फिर कुछ नए एम्प्लॉय हैं जिनको हमने इंटरव्यू लेटर भेजना है तो हम लेटर टाइप करेंगे। लेकिन हम यहाँ से ये भी नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं आप, तो हम चलेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके राइट साइड में यहाँ पे विंडो पे देखोगे एक टास्क पेन ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। हम ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, हम लेटर्स ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, लेटर पे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे दिखा रहा है स्टेप वन ऑफ सिक्स, यानी कि छह स्टेप में हम यहाँ पूरा सीख जाएंगे। ये कह रहे हैं नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट कर देंगे हम स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन थे वो चेंज हो गए, अब यहाँ पे आ रहा है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग तो हमारे पास कोई है नहीं, तो हम यूज करंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम चले जाएंगे सिलेक्ट रिसिपेंट, फिर से नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे फिर से ऑप्शन चेंज हो गए, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर हमारे पास कोई लिस्ट हमने तैयार करके रखी हुई है पहले वो यूज करें, अगर वर्ड में तैयार कर रखी है तो वर्ड की लिस्ट हम यूज कर सकते हैं, एक्सेल में तैयार कर रखी है तो एक्सेल की, जो कि मैंने मेल मर्ज इन एक्सेल में मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समझाया था। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट्स या टाइप इन न्यू लिस्ट, हम क्या करें, हम न्यू लिस्ट टाइप करते हैं। हमारे पास कोई भी जो नए एम्प्लॉय थे उनकी कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय है हमारे पास तो उनकी तो लिस्ट हम रख लेंगे, लेकिन इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाना है उनकी लिस्ट हमारे पास नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स से। तो करेंगे हम टाइप इन न्यू लिस्ट और क्रिएट डॉक्यूमेंट। जैसे क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक न्यू एड्रेस लिस्ट का हमारे पास पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फील्ड बनी हुई है, हमने यही फील्ड डालनी है या कोई नई फील्ड डालनी है या फिर ये नहीं चाहिए एक भी हमको, बहुत सारी फील्ड्स हैं आगे तक यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कोई नहीं चाहिए नई फील्ड हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम्स कर देंगे। जो जो कॉलम हमको चाहिए कस्टमाइज पे चले जाएंगे, इनमें से कौन कौन सा हटाना है हमने या किसका नाम चेंज करना है तो हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं उस फील्ड को, या उस फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल हमको नहीं चाहिए, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ओके, फर्स्ट नेम हमको चाहिए, लास्ट नेम की जरूरत नहीं है तो हम लास्ट नेम को हटा देंगे। कंपनी नेम नहीं चाहिए, हटा देंगे। एड्रेस चाहिए, सिर्फ लाइन वन ही चाहिए, टू नहीं चाहिए तो टू लाइन को हटा देंगे। सिटी चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए तो स्टेट को हटा देंगे, सिटी हमको चाहिए। जिप कोड चाहिए, कंट्री रीजन नहीं चाहिए, हटा देंगे। फ़ोन नंबर होम के या वर्क के, जो भी हमारे पास फ़ोन नंबर हो फ़ोन नंबर रख लेते हैं कोई भी। ईमेल एड्रेस रिक्वायरमेंट है तो रख लेनी, तो इसको भी हटा दें, क्योंकि अगर अगर हमने मेल के ज़रिए लेटर भेजना हो तो ईमेल एड्रेस रख लेंगे, वरना इसको भी हटा देंगे। अगर सारे आप डिलीट करना चाहें सारे डिलीट करके नई फील्ड वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड के बटन से। तो मैं ऐड करता तो मेरे पास टाइम लग जाता, ये समझो कि हमने यहाँ पे ऐड कर लिए ऐड बटन से। ओके, और इसको ओके कर लेंगे।
यहाँ पे देखो जो हमने फील्ड ली थी, जो कॉलम ली थी, वही यहाँ पे है। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालना शुरू करते हैं सभी की। सबसे पहले हमने डाल दिया फर्स्ट नेम, टैब यूज करेंगे आगे जाने के लिए, एड्रेस लाइन, सिटी, जिप कोड, होम फोन नंबर, जो भी फोन नंबर हो गया। फिर टैब यूज करेंगे तो देख रहे हो आप हमारे पास न्यू रिकॉर्ड के लिए एक लाइन और ऐड हो गई। यहाँ पे फिर से डालते हैं हम श्याम, जिप कोड, फोन नंबर, ऐसे मैं फटाफट रिकॉर्ड डाल लेता हूँ। ओके, मैंने कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे डाल लिए हैं, उनके एड्रेस, सिटी, जिप कोड और फोन नंबर वगैरह, और मैं इसको कर लेता हूँ ओके, और किसी भी नाम से इसको सेव कर दूंगा। मैं सेव कर देता हूँ न्यू एम्प्लॉई। ओके, और सेव सेव हो गई फाइल इसको। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है राइट योर लेटर, हमने लेटर राइट करना है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप चले जाएंगे। हम लेटर टाइप करते हैं यहाँ पे टू, किसको भेज रहे हैं, तो जिन जिनको लेटर भेजना है हम उनके यहाँ पे नाम टाइप करेंगे ना, तो नाम टाइप करने के लिए हमने उनकी लिस्ट वहाँ पे बना के रखी है। तो अब यहाँ पे राइट साइड में देखोगे यहाँ ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, यह मिलेगा मोर आइटम्स, हम यहाँ पे मोर आइटम्स पे क्लिक कर लेंगे, और वहां से हमने जो जो फील्ड चाहिए, नेम चाहिए, नेम को यहां से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, इंसर्ट और क्लोज। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट पे हमको क्या चाहिए, फिर से मोर आइटम पे चले जाएंगे और एड्रेस चाहिए हमको, इंसर्ट और क्लोज कर देंगे। फिर से हम नीचे आएंगे, हमको चाहिए अब फिर से मोर आइटम्स, यहाँ पे चाहिए हमको सिटी, इंसर्ट और क्लोज। फिर हमको यहाँ पे मोर आइटम्स पे आएंगे, जिप कोड, इंसर्ट, क्लोज, जिप कोड सिटी के सामने लेने चाहें सिटी के सामने भी ले सकते हैं, ताकि नीचे तक ज़्यादा ना भरे, हमारे जो लेटर का जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा नज़र आए, उस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खाली आपको समझा रहा हूँ, इसलिए सिंपल ही लेटर ले रहा हूँ। और होम फोन नंबर भी आप ले सकते हैं, या राइट साइड में कहीं फ़ोन नंबर डालना चाहें तो वहाँ भी कर्सर छोड़ सकते हैं, इंसर्ट और क्लोज हो गया। अब लेटर टाइप होते हैं हमारा किस किस प्रकार टाइप करते हैं, जो भी मैटर लिखना होता है रेस्पेक्टेड, और रेस्पेक्टेड के सामने हम जो भी टाइप करेंगे, मिस्टर या मिसेज, जो भी हमने लिखना है वो, और उसके बाद हम फिर से फील्ड इंसर्ट कर लेंगे। नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्या पता किसका नाम, किसका लेटर टाइप कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हमने जिसका प्रिंट निकालना है उसी का टाइप करेंगे ना, तो यहाँ फिर से हम मोर आइटम्स ले लेंगे और यहाँ पे नेम, इंसर्ट, क्लोज, और आगे जो भी हमने मैटर टाइप करना है वो मैटर टाइप कर सकते हैं। हो गया मैटर टाइप, चार स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। पांचवा स्टेप आता है हमारे पास प्रीव्यू योर लेटर्स, हमने अपने लेटर का प्रीव्यू देखना है ओके, तो हम देखना चाहेंगे तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो पहला नाम है, जो पहली फील्ड है, जो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ भी एक नंबर जो हमारा रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड की डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है हर जगह। आप इनका अगर फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड कर लिया हमने, और हमने बोल्ड कर लिया यहाँ से इसको बोल्ड, ये ज़्यादा हो गया, सिर्फ इसको कर लेते हैं, ये हो गया बोल्ड, तो बोल्ड में दिखा सकते हैं। अब क्या था हमारे पास, फिर से नेक्स्ट चलेंगे हम, यहाँ पे आखिरी स्टेप होगा कंप्लीट द मर्ज, हम इसको कंप्लीट करेंगे मर्ज को। तो कंप्लीट मर्ज में आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल लेटर, यानी कि हमने इसका प्रिंट निकालना है प्रत्येक लेटर का, या फिर सभी लेटर्स में हमने एडिट करना है इंडिविजुअल सभी का, तो हम ये ऑप्शन ले लेंगे एडिट इंडिविजुअल, इस पर क्लिक करेंगे। अब आ जाती है विंडो मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, किस किस को मर्ज करना है, सिर्फ हमने जो करंट रिकॉर्ड है हमारा, जो हमारे पास शो हो रहा है, उसी को हमने इंडिविजुअल बनाना है, या फिर आपके पास 30, 35, 40 रिकॉर्ड हैं और आपको सिर्फ मान लो एग्जांपल यहाँ पे 10 नंबर से और 20 नंबर तक, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 10 और यहाँ पे डाल देंगे 20, सिर्फ इन्हीं का हमको लेटर प्रिंट करना है,
या फिर ऑल, सभी का, हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड हमारा आ गया, आगे चल के देखते हैं दूसरा रिकॉर्ड भी हमारा यहाँ पे, तीसरा रिकॉर्ड भी और चौथा भी, सारे हमारे रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गए। अब आप इनका प्रिंट दे सकते हैं और सेंड करना चाहें मेल के जरिए सेंड कर रहे हैं, या फिर एनवलप लिख निकालना चाहें तो एनवलप भी हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। एनवलप के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, मेल में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, वहाँ पे हम चुन लेंगे इस बार एनवलप, एनवलप का साइज हमको क्या चाहिए, हम यहाँ से एनवलप का साइज अपना ले सकते हैं, चुन सकते हैं कोई भी, फॉन्ट किस प्रकार से चाहिए हमको, लेफ्ट टॉप बॉटम जहाँ भी एड्रेस का फॉन्ट चाहिए जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है, प्रिंट ऑप्शन हमारा प्रिंटर किस प्रकार का है, हमको प्रिंट किस तरह के चाहिए, हमको एनवलप इस तरह से प्रिंट चाहिए या इस तरह जैसे हमने उस ट्रे में डालना है वो हम यहाँ पे चुन सकते हैं, फेस अप फेस डाउन का, ओके करेंगे, हमने यही साइज ले लिया, ओके करते हैं। ओके तो ये न्यू फाइल में जाके करें, मैं फिलहाल मैंने यहीं पे कर लिया, एक न्यू फाइल ले ले और वहां पे एनवलप का देख लें, और वहां भी हम क्या करें, सीधा सा हम सेलेक्ट रेसिपिएंट में चले जाएंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो हमारे पास लिस्ट थी न्यू एम्प्लॉय की वो चुन लेंगे, और डायरेक्ट हम यहाँ से इंसर्ट मेल मर्ज में कि उसका नाम एड्रेस सिटी जिप जो भी चाहिए एनवलप पे वो यहाँ पे इंसर्ट करते चले जाएंगे, सेम प्रोसीजर जो हमने लेटर में किया है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और पहली बार यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।